नारायण मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि लाइव वशीकरण वीडियो डालें और सरल वीडियो डालें, कुछ ऐसा उपाय डालें जो हम कर सकें। बहुत लोगों की परेशानी थी कि वो ज़्यादा देर मंत्र के लिए बैठ नहीं सकते, मंत्र सिद्धि के लिए कुछ इतना कठिन कुछ कर नहीं सकते वो। तो उन सब की फरमाइश को देखते हुए हमने ये बहुत ही सरल विधि स्वामी जी द्वारा बताई गई है, जिसको आज आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस विधि से चाहे कितना भी प्रभावशाली इंसान हो, वो भी आपके वश में आ जाएगा। आज हम आपको ये विधि बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप समय समय पर हमारी नई नई वीडियो आसानी से देख सकें। मित्रों, अब बात करते हैं पानी से वशीकरण की। बहुत लोगों को इसमें सफलता नहीं मिलती थी कि पानी से वशीकरण हो नहीं पा रहा है या पानी से वशीकरण हो सकता है या नहीं। आज हम आपको इसको करके दिखाएंगे। इस प्रकार से मित्रों, एक कांच का गिलास लेना है। सिर्फ कांच के गिलास में ही पानी ले, इस बात का ध्यान रखें। कांच के गिलास में पानी लेकर एक भोजपत्र लेना है, इस प्रकार से। ये देखो भोजपत्र, ये आसानी से आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। इस भोजपत्र पर ऐसे ऑरेंज कलर के यानी संतरी कलर के स्केच पेन से एक मंत्र लिखना है। देखिए, आज हम लिख के जाते हैं आपको। स्वाहा। देखो ये मंत्र है, ओम क्ली कामदेवाय। यहाँ पे आपने उस इंसान का नाम लिखना है जिस इंसान को आप वश में करना चाहते हैं। वशे क्रू क्रू स्वाहा। इस प्रकार से ये मंत्र लिखकर, ये देखिए ध्यान से, ओम क्ली कामदेवाय, बीच में उस इंसान का नाम, वशे क्रू क्रू स्वाहा। अब इस भोजपत्र को हाथ में लेंगे, 551 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे। 551 बार इस मंत्र को पढ़कर इस प्रकार से पानी में छोड़ देंगे इस भोजपत्र को। इसको अब पानी में ही रहने दें, इस भोजपत्र को। देखिए इस प्रकार से पानी में पड़ा रहे भोजपत्र। अब आपने क्या करना है, 7 दिनों तक रोजाना उस व्यक्ति को पानी पिलाना है। ऐसा नहीं है कि ये सारा पानी 7 दिनों तक एक ही बारी में पिला देना है। आप जब भी उसको पानी पिलाने लगेंगे, एक ऐसा खाली गिलास लेंगे, इस गिलास में से थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद और पानी इसमें मिक्स कर लेंगे, ताज़ा पानी जो जो भी उसको पानी पीना है वो पानी इसमें मिक्स कर लेंगे। पानी मिक्स कर लेने के बाद 7 बार दोबारा उस मंत्र को पढ़ेंगे। 7 बार उस मंत्र को पढ़ के इसमें फूकेंगे। फूकने के बाद उस इंसान को पानी पीने के लिए दे दें। ऐसा लगातार 7 दिन तक करें। 7 दिन बाद जब आपका ये पानी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इस भोजपत्र को ले जाकर किसी बहते पानी में बहा दें। ये सरल सी विधि है मित्रों। इस विधि में ना आपको कोई माला चाहिए, ना आपको कोई आसन चाहिए, ना किसी भगवान की फ़ोटो में ऐसे कुछ आपको पूजा वगैरह करनी है, या आपको कोई तंत्र मंत्र कोई मंत्र सिद्ध करना है, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है मित्रों, वो व्यक्ति जो पानी पी रहा है वो पूरा पानी पिए, ऐसे बीच में आधा अधूरा ना छोड़े। और जब भी उसको पानी दे तो ऐसे कंच के गिलास में ही पानी दे, किसी स्टील वगैरह के गिलास में पानी ना दें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्वामी जी द्वारा हर शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक मुफ्त सलाह दी जाती है। जैसा कि घर की कोई समस्या हो, पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो, या आप निश्चिंत स्वामी जी से अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर तो जरूर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों। ओम नमो नारायण।